हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अरम एंड वेलकम टू DDC डेली ड्राइव कार्स में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेनॉल्ट ट्राइबर RXL वेरिएंट। प्राइसिंग की अगर बात करें तो एक्स शोरूम ये हमें पड़ेगी 6.63 लाख की। सोरीज़ की की में हमें मिल जाता है बैक साइड रेनॉल्ट का लोगो, फ्रंट में हमें मिल जाता है लॉक अनलॉक के बटन। फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करें दोस्तों, ग्लॉसी ब्लैक कलर की हमें मिल जाती है इसमें फ्रंट ग्रिल। सेंटर में हमें मिल जाता है रेनॉल्ट का काफ़ी बड़ा सा लोगो। बॉनेट पर अगर आप देखेंगे इसमें काफ़ी अच्छे हमें इसमें कट्स देखने के लिए मिलते हैं जो काफ़ी अच्छा लुक देते हैं कार को। प्रोजेक्टर में हेडलैम्प हमें इसमें मिल जाते हैं, साइड में हमें मिल जाता है इसमें हेलोजन लैम्प हाई बीम के लिए, प्रोजेक्टर हमारा लो बीम के लिए मिल जाता है। नीचे हमें मिल जाते हैं इसमें टर्न इंडिकेटर। फॉग लैम्प इसमें हमें नहीं मिलते हैं, बट DRL की प्लेसमेंट हमें इसमें मिलती है जो हमें टॉप मॉडल में इसमें हमें DRS भी मिलेंगे। नीचे की तरफ ग्लॉसी ब्लैक कलर में हमें मिल जाती है इसकी रेडिएटर ग्रिल। फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वाइड लुक लगता है हमारी ड्राइवर का। तो चलिए बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। साइड में हमें मिल जाता है इसमें टर्न इंडिकेटर। क्लाइडिंग हमें मिल जाती है टायर्स के ऊपर जो काफ़ी अच्छा लुक देती है कार को। 14 इंच के इसमें मिल जाते हैं हमें स्टील लिम्स। अलॉय व्हील्स इसमें हमें नहीं मिलते, स्टील लिम्स हमें मिलते हैं। प्लास्टिक का हमें मिल जाता है इसमें व्हील कैप। फ्रंट में हमें इसमें मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक। रियर में हमें मिल जाते हैं इसमें ड्रम ब्रेक्स। ब्लैक कलर का हमें मिल जाता है इसमें ORVM। डोर हैंडल्स भी हमें इसमें ब्लैक कलर में मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर की इसमें मिल जाती है रूफ रेल, तो काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। 40 लीटर का हमें मिल जाता है इसमें फ्यूल टैंक जो अंदर से ही ओपन होएगा। बाकी अगर आप देखेंगे बैक से पिलर्स हमारे सब ब्लैक में लगते हैं, सिल्वर पर ब्लैक काफ़ी अच्छा लुक देती है कार को। बैक साइड भी हमें मिल जाती है ग्लाइडिंग जो ऐसे पीछे तक जाती है। बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की। बैक में हमें मिल जाते हैं इसमें हेलोजन टेल लैम्प्स, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी अच्छा लुक देते हैं कार को। हमारा टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट। सेंटर में मिल जाती है काफ़ी बड़ी सी ड्राइवर की बैजिंग, रेनॉल्ट का लोगो। ऊपर हमें मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प। डिफॉगर्स, रियर वाइपर RXL वेरियंट में हमें नहीं मिलते हैं। साइड में हमें मिल जाती है रेनॉल्ट की बैजिंग। नीचे हमें मिल जाते हैं 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, आप देख सकते हैं। और स्पेयर व्हील हमें इसका मिल जाता है नीचे जो आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। दोस्तों 7 सीटर अगर आप इस कार को लेके जाएंगे तो हमें बूट स्पेस इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता, आप देख सकते हैं कुल इतना सा इसमें स्पेस मिलता है। बट अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है इन्हें फोल्ड करना, ईजिली ये फोल्ड हो जाती हैं। सीट्स को फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा हमें स्पेस मिल जाता है। और एक ऑप्शन इसमें हमें और मिलता है, आप सीट्स को यहाँ से निकाल भी सकते हैं। आप इस लीवर को पुश करेंगे ये हमारी सीट्स बाहर भी आ जाएंगी और काफ़ी इजीली ये सेट भी हो जाती हैं। तो चलिए क्लोज़ करते हैं इसे। चलिए ओपन करते हैं इसका पैसेंजर साइड डोर। डुअल टोन में मिल जाता है इसका डोर, ब्लैक एंड बेज। ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं डोर हैंडल्स। पावर विंडो में मिल जाती है, नीचे हमें मिल जाते हैं बोतल होल्डर। स्पीकर इसमें हमें सिर्फ 2 मिलते हैं जो आगे के डोर्स में हमें मिलते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी स्पेस की। स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है ड्राइवर में, लेग रूम हेड रूम ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऊपर हमें मिल जाता है इसमें ग्रैब हैंडल। एडजस्टेबल हमारे हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एसी वेंट्स इसमें हमें नहीं मिलते हैं। बैक साइड से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा मिलता है हमारा डैशबोर्ड का व्यू। तो चलिए थर्ड रो की आपको स्पेस दिखा देते हैं। थर्ड रो के लिए हम इसे यहाँ से लीवर हमें मिलता है, आप इसे प्रेस करेंगे थर्ड रो में भी स्पेस हमें इसमें अच्छा मिल जाता है। एडजस्टेबल थर्ड रो के भी हमारे हेडरेस्ट हैं। थर्ड रो के लिए भी हमें सीट बेल्ट गिवन है। ऊपर हमें मिल जाता है ग्रैब हैंडल। एक डिसएडवांटेज जो हमें इसमें मिलता है, ऊपर थर्ड रो के लिए हमें ना लाइट मिलती है ना एसी वेंट्स मिलते हैं, ये थोड़ा डिसएडवांटेज हमें इसमें मिल जाता है। बाकी यहाँ भी हमें थोड़ी सी स्पेस देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं इसकी ड्राइवर साइड डोर की। डोर में हमें मिल जाते हैं मैनुअली, आप ORVMs को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लैक कलर के हमें मिल जाते हैं फिनिश में डोर लॉक अनलॉक, पावर विंडो कंट्रोल, बोतल होल्डर, 2 स्पीकर हमें मिल जाते हैं इसमें आगे की तरफ।
सीट्स की अगर बात करें दोस्तों, डुअल टोन में हमें मिल जाती है सीट, इसकी ब्लैक एंड बेज फिनिश में फैब्रिक सीट हमें मिलती है। आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, मैनुअली हमारी रिक्लाइन हो जाती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो हमें एक इसमें स्विच मिल जाता है, जिससे आप अपनी हेडलाइट्स की लेवल अप डाउन कर सकते हैं, और इसे आप इसे टिल्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। चलिए कार को कर देते हैं स्टार्ट। डिजिटल इसमें हमें मिल जाता है ओडोमीटर, लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे हमें मिल जाता है इसमें आरपीएम मीटर, सेंटर में हमें मिल जाती है एमआईडी स्क्रीन जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें देती है, डिजिटल स्पीड ही हमें दिखाती है, आप इसे प्रेस करेंगे तो काफ़ी और स्पेस हमें मिल जाती है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये हमारा दिखा देती है, माइलेज, रेंज ए रेंज बी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ये हमें देगी है। यहाँ हमें मिल जाता है फ्यूल गेज, ऊपर आप देखेंगे हमारे टेम्परेचर कंट्रोल को मिल, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं इसके हेड रैम्स का स्टॉक, साइड में हमें मिल जाता है वाइपर का स्टॉक। स्टेयरिंग की बात करें तो दोस्तों सेंटर में हमें मिल जाता है रेनॉल्ट का लोगो, फैब्रिक में हमें मिल जाता है स्टेयरिंग बट इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। ऊपर हमें मिल जाते हैं यहाँ पे एसी वेंट्स, नीचे हमें मिल जाती है इसका म्यूज़िक सिस्टम जो सपोर्ट कर, जिसमें हमें मिलता है ऑक्स का पोर्ट, यूएसबी का पोर्ट, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, टाइम भी हमें शो करेगा। ये सारे हमारे मीडिया का कंट्रोल, रेडियो के कंट्रोल। नीचे हमें मिल जाता है हज़ार्ड लाइट का बटन, लॉक अनलॉक आप इसको कर सकते हैं। नीचे हमें मिल जाता है एसी के कंट्रोल, यहाँ थोड़ी सी हमें स्पेस मिलती है मोबाइल रखने के लिए, नीचे भी हमें स्पेस मिलती है, और नीचे हमें मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आपको ड्राइवर में मिल जाएगा। यहाँ पर हमें मिल जाता है इसका हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट इसमें हमें नहीं मिलता है दोस्तों, बट थोड़ी सी स्पेस हमें इसमें मिलती है, 2 कप होल्डर हमें मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश की हमें यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश हमें मिल जाती है, और डैशबोर्ड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ग्लव बॉक्स में भी हमें काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें मिल जाता है। यह हमारा मिल जाता है रियर व्यू मिरर, लाइट हमें एक ही मिलती है सिर्फ ड्राइवर में। सनवाइज़र की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें ड्राइवर साइड हमें कुछ नहीं मिल, टिकट होल्डर मिलता है, को ड्राइवर साइड हमें वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। तो सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो ABS विद EBD सेफ्टी के लिए हमें 2 एयरबैग्स ड्राइवर में मिलते हैं, टॉप मॉडल में हमें मिल जाते हैं 4 एयरबैग्स। तो चलिए बात करते हैं इसकी इंजन की, ड्राइवर में हमें मिल जाता है 1000 CC का इंजन जो प्रोड्यूस करता है 72 BHP की पावर, 96 Nm का टॉर्क। माइलेज की अगर बात करें दोस्तों कंपनी क्लेम करती है इसका 17, तो चलिए क्लोज करते हैं इसे। तो ओवरऑल कार के हमने सारे फीचर आपके लिए कवर कर दिए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। दोस्तों थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर्स, आपके सपोर्ट की वजह से हमारे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप आप हमारा 300 सब्सक्राइबर्स का टारगेट भी कंप्लीट करा देंगे। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।